सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। और टाइटल देख के तो आपने समझ ही लिया होगा कि ब्लॉग किस बारे में, कौन से किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। यस, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जे खर्चा होना, मैं हिंदी में बोलेगा, सुनो मेरा मराठी सही नहीं है, जो भी खर्चा होगा ना मैं देगा, तुम रिलैक्स रहो, मैं देगा तुमको पैसा, ठीक है, एकदम रिलैक्स रहो। तुम जितना देर घर पे भी बैठेगा ना उसका भी पैसा देगा, ठीक है, रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स। मेरा भाई टेंशन मत ले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तेरा जितना पैसा जाएगा मैं दूंगा, मैं बना के दूंगा। तुमको तुम्हारे गैरेज में आपको, बना आपको के पता तो? है मेरे एक उसको स्क्रैच आया ना, मैं इतना ध्यान से चलाता था सर। गलती हो गई, एक्सीडेंट होता है, देख रोड पे आते हैं ना कुछ भी हो जाता है। देखो ये बोलो कि हमारी तुम्हारी जान नहीं गई, समझे कि नहीं, ये भगवान से ये शुक्र करो कि जान नहीं गई। जो भी खर्चा है राज, तुम पैसा लो मुझसे, अकाउंट ट्रांसफर चाहिए अकाउंट ट्रांसफर लो, गैरेज में जाओ, मेरा फ़ोन नंबर लो पहले। अरे पण आता लागणार नाही। ये होंडा अमेज को अभी ओपन किया है, इनके साइड के दोनों डोर्स निकाल लिए। क्वालिटी सेम ही रहती है ना उनमें, गाड़ी छोटी भी यही लगी। अच्छा वही, अभी ये क्या, ये तो मुझे चेंज करनी, मैंने लाया वो नीचे वाले, लेकिन बहुत मजबूत गाड़ी है होंडा। होंडा के हिसाब से, होंडा के हिसाब से मजबूत है बहुत, मतलब। तो ये मेरा था विजिट मेरे अमेश के पास, पूरी मतलब इम्पैक्ट आप इसको समझ सकते हो, कार को देखकर जो इसका इम्पैक्ट हुआ था ना, बहुत डेंजर हुआ था इम्पैक्ट। पीछे का सिलेंडर भी यहाँ तक टूट गया, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेंडर का स्टैंड था वो भी निकल गया, इतना इम्पैक्ट था इसका। ये ऊपर था, ये नीचे गिर गया है पूरा सिलेंडर। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सो आप कैसे, आप ठीक होंगे, घर पे सब अच्छा है ना? सो व्हाट, अभी मुझे जस्ट एक कॉल आया कि आपकी कार रेडी है। कार रेडी है मतलब क्या? सो एक्चुअली एक अपेरेंटली मतलब 26 और 27 डे आज हो चुका है और मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। सो एक्सीडेंट माइनर भी नहीं बोल सकते, मेजर भी नहीं बोल सकते, बट हाँ मेजर हो सकता था, मतलब दोनों के बीच में का एक्सीडेंट था वो। सो मैं चाहिए तो फिर चला जाता, लेकिन भगवान को अपने साथ है, सो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सो व्हाट, आज मेरे कार का जो अमेज है तो उसके पूरे डोर्स सब दब गए थे। सो मैंने मतलब जिसने वो एक्सीडेंट करवाया, मतलब जिसकी कार से वो हुआ, तो वो सब उन्होंने ही दिया। सो जो खर्चा था वो तो उन्होंने ही दिया, क्योंकि मैंने कुछ इंश्योरेंस में क्लेम एंड ऑल कुछ नहीं किया, क्योंकि गलती सरासर उनकी थी। लेकिन बाद में आपको बताया ना, वो बोलते कि आपकी भी गलती, बट मेरी नहीं थी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं अभी हम लोग यहाँ से कुर्बे जाएंगे, जहाँ पे वर्कशॉप में मेरी कार है, और आपने बोला वर्कशॉप मतलब वो मैकेनिक का वर्कशॉप है, मतलब अमेश के आपने वर्कशॉप में क्यों नहीं दिया, मतलब होंडा के, तो वो भी मैं बताऊँगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं ये भी बताऊँगा कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, मतलब मोबाइल को यूज़ करके किसकी क्या गलती थी। सो और मैं ये भी बताऊँगा कि अमेश का कितना मतलब खर्चा है, सब पकड़ के खर्चा है एंड ऑल। आप अगर शोरूम से गए आफ्टर मार्केट, मतलब गो मैकेनिक इज़ नॉट आफ्टर मार्केट, इज़ अ वेल ब्रांड, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कहाँ पर है वो, मतलब जिन्होंने मुझे मतलब सब जेन्युइन पार्ट्स दिए, क्योंकि जब वो आए थे अभी मैं देखने गया था कि क्या है क्या नहीं। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वॉक। अभी हम यहाँ से टूर पे जाएंगे बाय ट्रेन, क्योंकि भाई ओला बहुत महंगी है यहाँ से, अभी मैंने जस्ट चेक किया। सो अभी बज रहे हैं 3:15 एंड दिस इज़ द 26th February आज का दिन, और ये ब्लॉग पता नहीं मुझे कभी आएगा। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी हम लोग टूर पे आ चुके हैं, अभी मैं कार को दिखाऊंगा,
अभी मतलब कार, अभी हम लोग कार का इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। और आर यू हैप्पी? पूरे एक महीने के बाद अभी हम लोग कार को देखने जा रहे हैं, सो लेट्स गो। गाइस जो हमारी कार है वो बन चुकी है और ऐसी लग रही है कि पूरी नई कार है। मैं आपको बस ये देखो, ये पीछे नित्यानंद डॉक्टर है, आपको फोकस करता हूँ, वो मैकेनिक, इन लोग ने कार इतनी अच्छी बनाई है ना, मतलब ऐसी लग रही है कि अभी अभी शोरूम से निकले। जस्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ और मैं एक साथ वो भी वीडियो दिखाऊंगा। तो जो ये था वो पूरा बैंड हो चुका था, यहाँ से पूरा मतलब पूरा ये चला गया था अंदर। और अभी आप देख रहे हो ये पूरी कार न्यू लुक, पूरे न्यू लुक में दिखती है। तो बन यहाँ पर आई थिंक सीसी नंबर था, पता नहीं प्लेट कहाँ पर है, यहाँ पर सीसी नंबर था, अभी पूछना पड़ेगा। प्लेट तो पूरा निकल चुका था जैसे मैंने लास्ट में देखा, मतलब अभी मैं कंपेरिजन में बता रहा हूँ। तो ये सिलेंडर भी पूरा अभी वापस से बैठ चुका है पहले जैसे, इसको एक बार चालू करके देखना पड़ेगा। कार बहुत सेक्सी लग रही है, फिशिंग की वजह से फुल कार ही न्यू लग रही है। यहाँ पे ज़रा हम फोकस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कलर मतलब ऐसे डल बैठा है और यहाँ पे देखो सॉफ्ट है। बाकी सब यहाँ पे प्लेन ही है और ये भी सब मेरे कार का जो पहले का क्रोम रोम था वो सब लगाने की पूरी कोशिश की है। जो भी डैमेज हो चुका था पूरा अंदर घिस गया था ये पार्ट, ये डोर पूरा अंदर था और यहाँ से थोड़ा बड़े दोनों डोर चेंज हो चुके हैं। आई थिंक इट्स अ बेस्ट जॉब डन बाय देम। यहाँ पर भी मेरा मतलब थोड़ा रिक्शा वाले ने घिस चुका था, मुंबई के रिक्शा वाले पता है ना कैसे रहते। सो ये देखो यहाँ पर भी पूरा प्लेन ये लोग ने किया, वंडरफुल जॉब। पूरी कार न्यू लग रही है, ऐसी लग रहा है अभी अभी शोरूम से आई है। कोरोना के वजह से हाइजीन टाइप कुछ तो रखा है, मतलब जो कोरोना ये नहीं होना चाहिए इसलिए। तो रहने दे अभी उतना क्या, अभी तो यहाँ पे ये कुछ ज़रा आड़ा टेढ़ा लगाया है, कुछ सड़क सीधा करने के लिए बोलना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक ये टेढ़ा वेढ़ा लगाया है पूरा इसमें से, नहीं तो पानी जाके यहाँ पर जाएगा सीधा अंदर। जो ये साइड है जिधर एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सो यहाँ पर ये है, ये प्लास्टिक का है कुछ तो जो होंडा की कार्स में यूजुअली दिखता है। और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, सो ये दिख रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट डोर ही अटैच कर दिए, अभी हमको बोलना पड़ेगा उनको। राइट नाउ अभी हम लोग को जो सर है उन लोग ने बोला कि जाके एक टेस्ट ड्राइव लो और मैंने मेरा जो प्रॉब्लम था वो दिखा, अभी देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्यों बोल रहे हैं कि ये बाहर से मतलब आफ्टर मार्केट ही आता है। अभी हम लोग एक टेस्ट ड्राइव लेने आए बाहर यहाँ पर तुरबे में और देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं ज़रा कि कार का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है क्या। CNG मतलब पूरा आई थिंक ख़त्म ही हो चुका है, CNG पेट्रोल भी ख़त्म होने के राह पर ही है। तो अभी यहाँ पर पेट्रोल और ये फिलअप मुझे करना पड़ेगा और पेट्रोल मतलब भाई अभी इतना महंगा हो चुका है ना, क्या बोले पेट्रोल के लिए। सो गाड़ी चल रही है वैसे पहले जैसी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस अभी देखते हैं। गियर बॉक्स इजी पड़ रहा है, इतना पूरा फ्रेम चला गया इसका, वॉश करके दे रहे कार। आनंद ऑटो यहाँ पर आइए, मैं आपको पूरा खर्चा बताऊंगा जो उन्होंने मुझे बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडी जैसी बड़ी कार्स आती है, ऑडी Q7, रेंज रोवर। सो सर्विसिंग भी यहाँ पर मतलब अमाउंट मतलब कम ही रहेगा जैसे आपको मिलेंगे, मतलब मैं आपको अभी सब विस्तार में समझाऊंगा घर पे जाके। सो दे आर टेकिंग मतलब लास्ट डिलीवरी के टाइम सब चेक करके दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनके एटिकेट्स मतलब कस्टमर को कैसे जोड़ते हैं, ये हम लोग को देखो। तो मैंने शोरूम में ऐसा काम नहीं देखा, बट दे आर रियली मतलब पूरा जान लगा दे रहे हैं। आई थिंक गो मैकेनिक अच्छा है अपने शोरूम एंड ऑल से, मतलब शोरूम का जो वर्कशॉप रहते हैं क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर उनसे तो, बट कोई कोई बोलेगा कि सर्विस सेंटर ही अच्छे है, यार कंपनी का सब पता है। बट आप सिर्फ एक बार काम देखो, मैंने जब लास्ट सर्विसिंग कराई थी तभी गाड़ी मेरी इतनी चमक रही नहीं थी। दे डन द पॉलिश ऑल्सो।
माइनर भी नहीं बोल सकते, उसको मेजर भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो एक्सीडेंट था वो बहुत डेंजर था, क्योंकि जब भी मुझे गाड़ी इंपैक्ट हुई तब गाड़ी वो 40 के स्पीड पे थी, बस 40 के स्पीड पे कभी आई, जब भी उस वो जो सर थे उनने 20 मीटर या 10 मीटर पहले ब्रेक लगाया और वो गाड़ी स्किट होकर मुझे 40 के स्पीड पे लगी, और गाड़ी मेरी जब भी लगी ऐसी दो टायर पे पीछे साइड पे खड़ी हो गई, वापस से नीचे गिर गई, और इतना दिखाया मैंने जैसे सीएनजी सिलेंडर सब कुछ निकल गया था। अगर वो 80 के स्पीड में मुझे इंपैक्ट होती तो शायद मैं आज नहीं रहता, इतना डेंजर वो इंपैक्ट था। और जो 40 के इंपैक्ट हुए तो मैं तो ड्राइवर साइड में बैठा था, मेरे हाथ सर पे फट करके ऐसे लगा, कांच फट कर अपनी ग्लास लगी, और ग्लास को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भी वो ग्लास लगने के बाद जो एक्सीडेंट टू करके ऐसे आवाज़ आता है, देखो आपने वांटेड फिल्म में देखा रहेगा लास्ट में गनी भाई को मारते टाइम, वो सेम सीन शॉट मेरे साथ हुआ था उस दिन, और मुझे कुछ सूचना नहीं था। और जैसे मैं बाहर गया और देखा तो गाड़ी को देख के बाहर से मेरी जो हालत थी वो बहुत, मतलब मैं पिस्ड ऑफ हो गया कि मैं क्या हो गया मेरी गाड़ी को, जहाँ पे एक स्क्रैच में लगने नहीं देता था वहाँ पे ये कितना जान से ज़्यादा जिसको ये करते। तो एक्सीडेंट हुआ कैसे, एक्चुअली जो मेट्रो मुंबई से पता है, मुंबई के मरोल साइड में जो कि नीचे से मेट्रो ऊपर से जाती है, नीचे रोड है, सो मैं घाटकोपर से मेट्रो अपना मरोल में जा रहा था, और मरोल के यहाँ पर एक टर्न है, वहाँ पर ऊपर आईटी कंपनी का, मैं वहाँ पर टर्न लेने वाला था। सो मैं स्ट्रेट जा रहा था, और जैसे मैंने मेरा राइट टर्न लिया, रुका, मैं आगे देखा, मेरे आगे रिक्शा वाला चला गया, तभी मैं देख रहा था और मैंने देखा कि कोई नहीं है, और मैं आगे चढ़ गया। जैसे आधे रास्ते में पहुंचा तो वहाँ से ये सर 80 के स्पीड में से आए, और उन्होंने दूर ब्रेक, मतलब गाड़ी इतनी स्पीड थी कि ब्रेक लगा के भी 10 मीटर से घिस के गाड़ी मेरे को 40-30 के स्पीड पे टक्कर मार दी, और टक्कर मारने के बाद मेरा सीधा गाड़ी ऊपर, अगर टक्कर पूरे 80 के इंपैक्ट पे होती ना तो मेरी गाड़ी सीधा ऐसे रोहित शेट्टी का पिक्चर बन जाता है एक वहाँ पर, और शायद मैं नहीं रहता, क्योंकि बहुत डेंजर वो एक्सीडेंट, पता नहीं मैं रहता या नहीं रहता, लेकिन बहुत डेंजर वो इंपैक्ट हो जाता था। अमेज थी मेरी इसलिए, मतलब होंडा की कार थोड़ी, मतलब ज़्यादा अगर वहाँ कंपेयर करने गए तो, अगर वैगनर रहती तो मेरा वो 40 के स्पीड में भी हो जाता अच्छे से काम 25, लेकिन बचा नहीं, बच गया मैं। और जैसे वीडियो में देखा आपने वो सर ने, हाँ आज मैं क्यों वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब वो सब सेटलमेंट अभी ख़त्म हो गया, सो बीच में लॉकडाउन था, ये हुआ वो हुआ, तो बहुत, मतलब बहुत सारी सीन, तो वो सब सेटलमेंट आज हो गया, इसके वजह से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और वो सर ने पूरा खर्चा किया, और हम लोग शोरूम में गए थे, शोरूम में मुझे दिखाया कुछ एस्टिमेट, हम लोग ने निकाला पूरा टोटल खर्चा, वो भी एक नीचे का पार्ट जो टायर था, टायर पे भी गाड़ी का जो कोरोला आर्टिस्ट थी पहली वाली, उसका टायर पे भी इंपैक्ट होता, टायर भी अंदर चला गया था, बट टायर अंदर चला गया था तो हम लोग ने वो एस्टिमेट, हमने हम लोग को लगा व्हील अलाइनमेंट में हो जाएगा, जब हम लोग होंडा के शोरूम गए थे तो उसमें सिर्फ लेबर चार्जेस 80,000 थे, 80 या 60,000 सिर्फ लेबर चार्जेस थे। सो किधर, मतलब इतना लेबर चार्जेस आई थिंक बहुत है, उतनी प्राइस आधी अपने 20% प्राइस पे आ गई, वो 11 लाख की गाड़ी है, और इतने इतने प्राइस में 1.5 लाख ऊपर से, और वो नीचे का पार्ट जाता उसका अलग, मतलब 2 लाख पकड़ लो किधर ना किधर, सो 2 लाख मतलब बहुत हो गया। सो वही हम लोग को सब गो मैकेनिक में हम लोग ने अच्छे, मतलब मैंने बोला मुझे नहीं, मुझे शोरूम में ही देनी, मुझे शोरूम, मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करता तो मेरी गाड़ी की वैल्यू घटती, और जहाँ पे आपकी गलती नहीं है तो आप ये नहीं, अगर वो सर 30 के स्पीड, वहाँ पे स्पीड लिमिट 30 की है सर, 30 की स्पीड लिमिट थी वहाँ पर वो रोड पे, और पूरा एकदम हाईवे बना चुके थे सर, लेकिन हो गई, मिस्टेक होती है वो भी अपने उनको जल्दी। सो जो मतलब ऐसे बोलो कि डेथ को टच करके, मतलब बहुत डेंजर एक्सीडेंट था, मेजर माइनर, लेकिन हम दोनों भी बच गए, दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उनके गाड़ी के आगे के साइड पे इंपैक्ट हुआ, और मेरी गाड़ी वो साइड वाले डोर पीछे डिक्की पर और जो अंदर का था सब दब चुका था, और नीचे का एक पार्ट चला गया, व्हील मेरा अंदर ढस गया था, मतलब ऐसी गाड़ी टेढ़ी चल रही थी, जब भी मैं स्ट्रेट लेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऐसे जा रही थी। सो सब होने के बाद भाई बहुत, मतलब एक महीने के बाद मुझे गाड़ी मिली, वो सर ने मुझे जितने दिन में घर पे बैठा उसका खर्चा दिया सब कुछ, मतलब वो सर ने अच्छे से सेटलमेंट किया, मतलब ऐसे लोग मिलते नहीं है, क्योंकि यूजली लोग पता है आपको सीधा दिखाते हैं कि आपकी गलती है, लेकिन बहुत डेंजर एक्सीडेंट था ये, और मुझे लगा नहीं था कि भाई मेरा भी कभी एक्सीडेंट होगा कभी भी, मतलब ना अपन घर से निकलते हैं ना तो मेरे को भी उस दिन ऐसे फील हुआ कि हाँ कि भाई यहाँ पे जान का भी रिस्क है थोड़ा सा, मतलब कब मुझे पता नहीं था इतना, अच्छे से मैं अपने खुश से गाड़ी चला रहा था, और किधर से आके गाड़ी डायरेक्ट लगी मेरे को भी ऐसी स्पीड में, देख के सब प्रिकॉशंस लेके भी गाड़ी लगी, मतलब कार भी एक मतलब जानलेवा ही है। और जैसे मैं मतलब जा रहा था, मैंने अपना राइट टर्न लिया, और वो सर वहाँ से, एक्चुअली वो स्लोपिंग से आ रहे थे, उनकी स्पीड और पकड़ ली थी, मरोल के यहाँ पे स्लोपिंग है अगर किसी को पता रहेगा तो, और वो रोड भी पूरा प्लेन है, मतलब स्पीड में चलाने का दिल करता ही है वहाँ पर, और जैसे वो आए उनको दिखा नहीं रहेगा, उनने जब भी देखा, जब भी 10 मीटर पहले उन्होंने ब्रेक दबा लिया था, पर सीधा आगे जाके धन करके बैठी। तो गो मैकेनिक में कुछ सब पकड़ के खर्चा 40,000 आया, और जब भी गो मैकेनिक का मेरे को, मतलब मेरे को डाउट था, लेकिन जब भी मैं वहाँ पर गया तो मैंने जब भी उनको, उन्हें डोर मंगाए थे होंडा से, मतलब जेन्युइन ही डोर से, वो जेन्युइन डोर से, अच्छे डोर से, सेम क्वालिटी, सेम सब, और हाँ सब अच्छा ही था उनका। तो मैं जब भी वहाँ पर गया था और देखा मैंने कि क्या क्या सीन है, क्या सब अच्छा है, ठीक है,
तो उसके बाद मैं एक महीने के बाद गया और जब कार मिली जब गया। हाँ थोड़े थोड़े मतलब कहाँ पर माइनर्स है लेकिन वो गो मैकेनिक बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखने गए तो होंडा की शोरूम वोरूम कुछ भी गाड़ी इंपैक्ट हुई। मैं तो बोलता हूँ आपकी सेकंड सर्विसिंग के बाद 5-4 हज़ार में गाड़ी का सर्विसिंग इंक्लूडिंग ऑयल वॉयल सब चेंज करते हैं और व्हील अलाइनमेंट का थोड़ा आई थिंक ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। बट मैंने वीडियो में उनका जो पोस्टर आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि कितना क्या है। एंड द गाय वॉज रियली गुड और ये सर का ही फ्रेंड है वो इंपैक्ट किया था गाड़ी को। और मतलब वहाँ पे ना मैं बोलता हूँ मेरी होंडा सबसे कम ही थी, इतनी अच्छी अच्छी वहाँ पे गाड़ी आ रही थी मर्सिडीज ऑडी रेंज रोवर कितने मतलब सब लग्जरियस कार थी वहाँ पे मेरी गाड़ी बनी और गाड़ी को भी अच्छा बनाया। ऐसी लग रही थी गाड़ी नहीं जैसे आपने वीडियो में मैं अभी डाला ही हूँ वो शॉट भी। तो चलो देखते हैं पूरा मतलब थैंक यू। ये बस मेरा एक्सपीरियंस था एक एक्सीडेंट का अपना जो वीडियो एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया मेरा। और पहली बार एक्सीडेंट हुआ है मेरा, इससे पहले मेरा बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था जो कि हुआ था 8th में, वो भी बहुत डेंजर एक्सीडेंट था, स्कॉर्पियो ने मेरे को उड़ाया था और आज हो रहा है। सो कुछ बोल नहीं सकता मैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टार्ट टू एंडर्स। थैंक यू।